बीते 3 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके का है और इसमें 15 से 20 लोग एक गली में मीटिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति इसमें बोल रहा है, शास्त्री नगर में एक मीटिंग होने जा रही है, ये जो मेमोजियन आते हैं गलियों में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, मुसलमानों को हम गली में घुसने नहीं देंगे, हम एक मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी गली मोहल्ले के अंदर किसी भी मुसलमान को ना घुसने दें, उनका आधार कार्ड चेक करो, उनका नाम पूछो, कोई भी मुसलमान है तो आप उनको भगाइए, गंदपना कर रहे हैं ये लोग। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी घुसने ना दे इनको मेमोरियल को। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जब ये बोल ही रहा है तो इस गली में 2 सब्जी बेचने वाले पहुंचते हैं। इस पर वहां मौजूद लोग सब्जी वालों से पहचान पत्र मांगते हैं और कहते हैं कल से आधार कार्ड लेकर आना, वरना आना मत इस तरफ, डंडे पड़ेंगे बहुत। यह कहने के साथ ही इन सब्जी वालों को वहां से दुत्कार कर भगा दिया जाता है। और वीडियो में आगे कहा जाता है, ये देख रहे हो भाई साहब, अभी एक को पकड़ा था, उसने अपना नाम मिश्रा बताया और वो उसका नाम था मोहम्मद इमरान, उसको भी मारकर भगाया गया। सोशल मीडिया पर आने के बाद से वीडियो हजारों लोग शेयर कर चुके हैं। ट्विटर से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर कई लोग इस वीडियो को यह कहते हुए समर्थन कर रहे हैं कि सभी लोगों को अपने अपने मोहल्ले में ऐसा ही करना चाहिए, तो दूसरी तरफ कई लोग इस वीडियो के जरिए दिए जा रहे सांप्रदायिक संदेश की प्रशंसा भी कर रहे हैं। वीडियो की सच्चाई जानने के लिए जब हम उत्तर दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके पहुंचे तो शुरुआत में वहां के अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को फर्जी बताया। हालांकि क्षेत्र के लगभग सभी लोग इस वीडियो को देख चुके थे। यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले आर के शर्मा रहते हैं। हम सभी लोगों ने ये वीडियो देखा है, लेकिन ये शास्त्री नगर का वीडियो नहीं है। हमारे इलाके में हिंदू मुस्लिम भेदभाव जैसी कोई घटना नहीं हुई है, ये इस इलाके को बदनाम करने के लिए किसी ने शरारत की है। इस इलाके में बीते 12 साल से सब्जी बेचने वाले रणवीर सिंह को जब यह वीडियो दिखाया गया तो उनका कहना था कि हाँ, यह वीडियो इसी ब्लॉक का है। वीडियो में दिख रही बिल्डिंग को पहचानते हुए रणवीर सिंह ने बताया कि यह वीडियो ललिता विहार स्कूल के पास स्थित मोहल्ले में बनाया गया है। इसके साथ ही वीडियो की एक झलक में दिखता है कि एक घर के बाहर रोटी बैंक लिखा हुआ है। यह घर भी हमें इस इलाके में नजर आया, जिससे यह स्थापित हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो इसी मोहल्ले का है। इस मोहल्ले का नाम गुड लिविंग सोसाइटी है। वायरल वीडियो में एक घर नजर आता है जहां रोटी बैंक लिखा हुआ है। यह शास्त्री नगर के बी ब्लॉक में है। यहाँ मोहल्ले के लोग मिलकर आवारा पशुओं के लिए एक रोटी बैंक चला रहे हैं। हर सुबह 11 बजे ये लोग इसी संबंध में एक मीटिंग भी करते हैं। रविवार को इसी मीटिंग के दौरान वायरल वीडियो को शूट किया गया था। इस वीडियो में नजर आ रहे कई लोगों में एक संजय कुमार जैन भी है, जो यहीं रहते हैं। संजय कहते हैं, काफी समय से ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि मुस्लिम लोग सब्जियां या फलों में थूक लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए मोहल्लों के लोगों ने यह तय किया है कि यहाँ जो भी सब्जी बेचने आएंगे उनकी पहचान देखी जाए और सिर्फ पुराने सब्जी वालों को ही आने दिया जाए। इस वीडियो में नजर आ रही एक अन्य व्यक्ति ने नाम ना छाप बताने की शर्त पर कहते हुए कहा है कि यह वीडियो किसने बनाया और हमने आवाज किसकी है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हम सब लोग इस वीडियो में दिख ही रहे हैं। उस दिन हम लोग रोज की तरह मीटिंग कर रहे थे, तभी यह बात उठी कि मुस्लिम सब्जी वाले थूक कर सब्जियां बेच रहे हैं। आपने भी देखा होगा ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, इसलिए हमने यह तय किया था कि यहाँ किसी मुसलमान को नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि बाद में यह तय हुआ कि जब यहाँ सिर्फ 2-3 वही सब्जी वाले आएंगे जो सालों से आते रहते हैं और जिन्हें हम पहचानते हैं। वहीं एसपी राठी यह आश्वासन तो देते हैं कि किसी भी फल सब्जी वाले के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फल सब्जी बेचने वालों के अनुभव इससे ठीक उलट है। आसपास के इलाकों में घूमकर फल सब्जी बेचने वाले मोहम्मद अनस कहते हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों से हमें किसी भी गली मोहल्ले में लोग आने नहीं दे रहे। लोग हमसे पहचान पत्र मांगते हैं और हमारा नाम देखते ही भगा देते हैं। लोग गाली देते हुए कहते हैं कि तुम लोग थूक लगाकर फल बेचते हो, आगे से इस मोहल्ले में दिखाई दिए तो तुम्हारा ठेला पलट देंगे। यहाँ आपको बताते चले कि फल सब्जी वालों से उनके धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव का यह मामला सिर्फ शास्त्री नगर तक ही सीमित नहीं है। पिछले 3 से 4 दिनों में गुलाबी बाग, त्रिनगर, अंधा मुगल और आदर्श नगर जैसे कई इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई है, जब वहां फल सब्जी बेचने वालों की मुस्लिम पहचान देखने के बाद उनके साथ बदसलूकी की गई तो उन्हें इन इलाकों में दोबारा न आने की धमकी दी गई। 32 वर्षीय शिव सिंह कहते हैं कि गुलाबी बाग में तो मेरे सामने मोहल्ले में लाउड स्पीकर से यह घोषणा हुई थी कि अब से किसी भी मुस्लिम को यहां सब्जी फल बेचने के लिए नहीं आने दिया जाएगा।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.